one end of a massless rope which passes over a massless and frictionless pulley P is tied to hook C. देखिए ये हुक सी दे रखा आपको और ये पुली पी दे रखी है आपको, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर जो पुली है वो पी है और जो हुक है वो सी है। अब आपसे क्या बोला है, वाइल द अदर एंड इज़ फ्री, ये दूसरा एंड देखिए ये फ्री है आपका, ठीक है, इसका दूसरा एंड जो वो फ्री है। आपसे बोला है इस रोप में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टेंशन बियर हो सकता है, 360 न्यूटन। मतलब अगर रोप में टेंशन 360 न्यूटन से ज़्यादा हो गया, 360 न्यूटन को क्रॉस कर जाएगा तो रोप टूट जाएगी। अब आपसे बोल रहे हैं कि एक 60 किलोग्राम का मैन है तो इस रोप पर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा सकता है, विथ व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कैन द मैन ऑफ 60 kg मास क्लाइंब ऑन द रोप, कितने एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा सकता है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, क्लाइंब कर रहा है मतलब ऊपर जा रहा है वो, पहले हम एक काम करते हैं उस मैन का एफबीडी बनाते हैं। तो उस मैन पर कौन सा फोर्स रहेगा, उस मैन पर सपोज मैन का मास दे ही रखा आपको ऑलरेडी, चलिए तो मैन पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, 60 g, भाई mg फोर्स लगेगा नीचे और टी कहाँ लगेगा, ऊपर। जब ये मैन इसके पास में आएगा तो इस मैन पर दो फोर्स लगेंगे, mg नीचे लगेगा और टी कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, भाई टी हमेशा मास से आगे लगता है, तो टी ऊपर लगा और mg कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। चलिए तो ये दो फोर्स लगेंगे मैन पर, अब मैन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है भाई, ही इज क्लाइंबिंग ना, तो वो ऊपर जा रहा है। तो अब उस केस में क्या होगा, अगर वो ऊपर जा रहा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में नीचे की तरफ फोर्स कितना है भाई, अब ऊपर की तरफ वो जा, चूंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए ऊपर का फोर्स डोमिनेटिंग होगा और नीचे का फोर्स कम होगा। तो टी माइनस 60 g इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 a, ठीक है, टी माइनस 60 g इक्वल टू कितना आ गया, 60 a, भाई ऊपर का फोर्स ज़्यादा और नीचे का फोर्स कम है चूंकि ये बोला हुआ है कि मैन जो है वो ऊपर जा रहा है। एनीवेज अब आप देखिए टी की वैल्यू हमको दे रखी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 360, टी की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकती है 360, ठीक है, वो दिया भाई आपको क्वेश्चन में, ये देखिए आप, माइनस 60 g कितना, 10 इक्वल्स टू 60 a। अब आप सॉल्व करके देखिए a की वैल्यू -4 m/s² आ रही है, -4 m/s² आ रही है, इसका मतलब अब ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव आ रही है, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब वो ऊपर जाते टाइम अपनी स्पीड को कम कर रहा है, लेकिन आपसे तो पूछा है एक्सेलरेशन, तो ये आंसर तो पॉसिबल है नहीं। और ये आंसर चूंकि पॉसिबल नहीं है इसलिए हम बोल सकते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। कई लोग इसको सी लगा देंगे कि आप चूंकि चलो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, लेकिन अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली गलत है। क्यों गलत है मैं फिर एक बार समझा रहा हूँ, देखिए आप एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है -4, मतलब ऑन मूविंग अपवर्ड व्हेन द मैन इज क्लाइंबिंग ऑन, जब वो ऊपर जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, तो वो मतलब रिटार्डेशन है और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऊपर जा रहा है तो उसको स्पीड धीरे धीरे बढ़ानी रहेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि वो क्लाइंब डाउन कर रहा है, अगर वो नीचे आ रहा है तब ये पॉसिबल था, तब क्या होगा, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा और ऊपर वाला फोर्स कम होगा, ठीक है। 60 g माइनस टी की वैल्यू 360 दे रखी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम बोल सकते हैं कि जो ए है वो क्या आएगा, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, लेकिन ये कब आएगी, जब मैन नीचे आता है, ठीक है, ये तब आएगी जब मैन कहाँ आ रहा है, नीचे। ना केवल ये बात आएगी कि मैन नीचे आ रहा है बल्कि इस केस में एक और बात ध्यान देनी पड़ेगी, ये नीचे जाते टाइम का एक्सेलरेशन होगा, पर ये जो एक्सेलरेशन होगा ना ये भी मैक्सिमम नहीं होगा, ये क्या होगा, मिनिमम होगा। और क्वेश्चन में क्लियर आपसे बोला है कि मैक्सिमम सेफ एक्सेलरेशन क्या है, जो कि पॉसिबल नहीं है, मैंने देखा आपने ऊपर वाले केस में तो पॉसिबल है नहीं, ऊपर जाते टाइम हम बोल सकते थे कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन, लेकिन नीचे आते टाइम हमको मिनिमम बोलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप देखिए आपने टी की मैक्सिमम वैल्यू पुट करी है, आपने टी की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 360 न्यूटन। अब जब आप टी की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर रहे हो, ये जो टी था इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करी है, तो जो एक्सेलरेशन आएगा नेचुरल बात है वो मिनिमम आएगा, भाई हम टी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जब हम मैक्सिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एक्सेलरेशन आएगा नेचुरल सी बात है वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। सो अगर क्वेश्चन देखा जाए तो वो रॉन्ग है, अगर आपको डाउनवर्ड केस में बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि द मिनिमम एक्सेलरेशन इज 4 एंड एज फार एज द क्वेश्चन कंसर्न जो ऊपर की तरफ जाते टाइम बोला है तो वो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है।